नील स्टीफेंस एक अमेरिकी लेखक है। साल 1992 में उनकी स्नो क्रैश नामक एक उपन्यास आई थी जो कि साइंस फिक्शन पर आधारित थी। इसी उपन्यास में उन्होंने पहली बार मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया था। इस उपन्यास में वर्चुअल वर्ल्ड में रियल लोगों के अवतार रहते हैं। उपन्यास में वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल करेंसी जैसे कई पैमानों पर बात की गई है। आसान भाषा में बताएं तो मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया होती है। इस तकनीक से आप एक वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं, यानी एक ऐसी समानांतर दुनिया जहां आपकी अलग पहचान होगी। इस समानांतर दुनिया में आप घूमने और सामान खरीदने से लेकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी मिल पाते हैं। ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी कई तकनीकों के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। यहाँ इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे हैं। एक दुकान पर आपने एक टीवी देखी और ये आपको पसंद आ गई। आपने डिजिटल करेंसी देकर उस टीवी को खरीद लिया। अब ये टीवी आपके बताए गए पते पर डिलीवर हो जाएगी। इस तरह आपको अनुभव तो वर्चुअल शॉपिंग का मिलेगा, लेकिन आपकी ये खरीदारी वास्तव में होगी। आप इंटरनेट पर जब किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं, भले ही आप फिजिकली सैकड़ों मील दूर हों। अब जब सब कुछ आपके साथ इस वर्चुअल दुनिया में रियल जैसा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रियल दुनिया जैसी ही आपके साथ समस्याएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि कोई आपको थप्पड़ मार के चला जाए या किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना भी हो जाए। अफसोस की बात है कि हाल ही में ब्रिटेन में एक 16 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे वर्चुअल गैंगरेप का नाम दिया जा रहा है। ये गैंगरेप लड़की से डिजिटल अवतार के साथ हुआ है। इस दौरान उसे शारीरिक तौर पर तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक उसके दिमाग पर रेप पीड़िता जितना ही गहरा असर पड़ा है। मेटावर्स में रेप के बाद ये पहला मामला है जिसमें पुलिस जांच कर रही है। यहां आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या ऐसे दिक्कतों से बचने का कोई उपाय मेटावर्स में नहीं किया गया है। दरअसल ऐसे दिक्कतों से बचने के लिए मेटावर्स ने अपने यूजर्स के लिए एक पर्सनल बाउंड्री बनाई है। ये अनजान लोगों को यूजर के अवतार से कुछ फीट दूरी पर रखती है, लेकिन अपराधी अगर नियत बना हिले तो क्या ही किया जा सकता है। द एक्सटेंडेड माइंड की साल 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर के शुरुआती दिनों में 49% महिला यूजर्स को वर्चुअल यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। यहाँ हमें एक बात समझने की जरूरत है कि वर्चुअल रियलिटी में होने वाले इस तरह के अपराधों को हमें किस नजरिए से देखने की जरूरत है। इनमें सबसे पहले है कि इन प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक है। वे महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के एंगल से उतना नहीं सोचते हैं जितना कि महिलाएं सोच सकती हैं। दूसरा, जो लोग वर्चुअल रियलिटी में किसी बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं वो असल दुनिया में कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तीसरा, ऐसे मामलों से निपटने के लिए वर्चुअल रेप को लेकर ज्यादातर देशों में कोई कानून नहीं है, यहाँ हमें सतर्क होने की जरूरत है। और चौथा, भले ही पीड़िता पर फिजिकल इम्पैक्ट ना पड़ा हो, लेकिन उस पर इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है जो किसी फिजिकल इंजरी से ज्यादा वक्त तक रहता है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपके हिसाब से वर्चुअल रियलिटी में होने वाले इस तरह के अपराध को रोकने के लिए हमें किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है या फिर सुधार करने की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।